हर वक्त चौकन्नी निगाहें, दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर, बॉर्डर पार से रची जाने वाली साजिश का मुंहतोड़ जवाब। न्यूज नेशन की टीम नॉर्थ बंगाल के उस बॉर्डर पर है जहां से सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग बेहद करीब है, लिहाजा बॉर्डर की सुरक्षा हर हाल में ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहां जवान भी हैं और किसान भी। जीवन पर्यंत कर्तव्य, यही ध्येयवाक्य है सीमा सुरक्षा बल का। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हूं राहुल डबास और आप देख रहे हैं अग्निपथ। अग्निपथ पे हम नॉर्थ बंगाल में हैं। उत्तरी बंगाल का ये इलाका सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के करीब है। यही वजह है कि फिजा में दार्जिलिंग की चाय की महक है। चाय बागान बॉर्डर की चारों तरफ लगा हुआ है। हालांकि चाय की काश्तकारी मुख्य रूप से हिंदुस्तान में की जाती है, लेकिन जो चाय के काश्तकार है, जो इन पत्तियों को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से आप सुबह का चाय का प्याला पी पाते हैं, ये बॉर्डर के इस तरफ भी है और जो इंडियन बॉर्डर फेंसिंग के उस पार है हिंदुस्तान ही, बॉर्डर के उस तरफ भी है। और वहाँ किस तरीके से गेट मैनेजमेंट किया जाता है वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे। क्योंकि यहाँ आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको चाय की बागवानी नज़र आएगी। और कुछ ऐसी स्थिति फेंसिंग, जो अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग है, उसके 150 मीटर दूसरी तरफ है, क्योंकि 150 मीटर तक भारत की ज़मीन है और वहाँ पर भी चाय की इसी तरीके से बागवानी की जाती है। आप सोच रहे होंगे चाय बेहतर विकल्प क्यों है। एक तो दार्जिलिंग की चाय पूरे विश्व में विख्यात है, और दूसरा, एक बार आप किसानों को दिखाइए जयराम जी, और किसानों के साथ चाय को दिखाइए कि जो चाय का बागान है इसकी ऊँचाई सिर्फ 2 फुट के आसपास है। 2 फुट होने की वजह से अगर यहाँ पर कोई किसी तरह की तस्करी करता है, कोई किसी तरह के छुपने की कोशिश करता है, तो वो छुपना मुमकिन नहीं है। हाथों में बंदूक और दिल में आग, दुश्मन ने नापाक हरकत की और काम तमाम। ये है सीमा के प्रहरी, ये है भारत माता के वीर सपूत, ये है मां भारती की आन बान और शान, ये है बीएसएफ, जिसका एक एक जवान आखिरी सांस तक हिंद की रक्षा की कसम खाता है। बीएसएफ जवानों के लिए सरहद की रक्षा सबसे अहम है, ताकि बॉर्डर के रास्ते कोई घुसपैठिया अंदर ना सके, कोई आतंकी दाखिल ना हो सके। सुबह के तकरीबन 8 बज चुके हैं और दोनों तरफ हमारे किसान हैं, बागबान हैं, और जो ना सिर्फ इस तरफ बल्कि भारतीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग के उस पार भी 150 मीटर तक है, वहां पर बागबानी करते हैं। 150 मीटर इसलिए क्योंकि जब बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी और हिंद की सेना ने मिलकर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, तब दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ। समझौता दरअसल ये था कि 1975 से ये कानून लागू किया गया कि दोनों देशों में अगर फेंसिंग बनेगी या कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर बनेगा तो वो सीमा के 150 मीटर अंदर ही बन सकता है, यानी यहाँ से लेकर 150 मीटर तक हिंदुस्तान है। आप देखिए कि यहाँ पर बीएसएफ के सीमा प्रहरियों ने बॉर्डर गेट को खोल दिया है, और सबसे पहले अंदर कौन जाएंगे, सबसे पहले अंदर जाएंगे वो प्रहरी जो किसानों के साथ रहते हैं, यानी किसानों की सुरक्षा अंदर की जाएगी। अंदर भी कई तरह के डर होते हैं तस्करी का, और उसके साथ साथ कि कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पहले बीएसएफ के जवान जाएंगे, और बीएसएफ के जवान जाने के बाद ही किसानों की आवाजाही शुरू होगी, और आवाजाही के लिए लिखा पढ़त होती है, यानी पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही अंदर जाया जाता है। यहाँ दिखाइए जयराम जी कि सारे जो लोकल किसान हैं उनकी फ़ोटो पहले लगाई गई है, ऐसा ना हो, क्योंकि अंदर फेंसिंग नहीं है, अंदर सीधा जीरो लाइन है, यानी पिलर है, भारत पाकिस्तान की जैसे सीमा होती है। और जहाँ पे हमने पंजाब के किसानों को देखा उससे इतर नहीं है यहाँ की स्थिति, यहाँ भी भारत बांग्लादेश की सीमा है और यहाँ भी किसान उसी तरीके से काम करते हैं। पहले इनका जो वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, वो ले लिया जाता है, तस्वीर से शक्ल की मिलान की जाती है कि जो अंदर जा रहा है वो हिंदुस्तानी है और अंदर से जो बाहर निकलेगा वो भी हिंदुस्तानी है। अंगूठा लगाना, और अंगूठा लगाने के बाद जो साइन कर सकता है वो साइन करेगा, और इन काश्तकारों को इस तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करा के, डॉक्यूमेंट्स इनके जवान तब तक रहेंगे जब तक वो बाहर नहीं निकल जाएंगे। आधार कार्ड है, उसके अलावा वोटर कार्ड आप यहाँ देख सकते हैं, आधार कार्ड देख सकते हैं, इसके बाद ही अंदर जाने की इजाज़त होगी, और जब ये बाहर आएंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। दुश्मन पर बाज की तरह नजर रखने वाले ये जवान दुश्मन के हर हौसले को पस्त करने का मादा रखते हैं, लेकिन अगर घुसपैठिया किसानों की शक्ल में अंदर आने की कोशिश करे
तो उसके लिए भी ये हमेशा तैयार रहते हैं। तभी तो बीएसएफ के फौजी खुद अपने साथ किसानों को पूरी सुरक्षा के बीच अंदर लेकर जाते हैं और इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। भारत की सुरक्षा की पहली पंक्ति है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल गेट मैनेजमेंट करता कैसे है वो आप देख लीजिए कि यहाँ पे समय लिखा हुआ है कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, दोपहर 11 से 12 और शाम 15 से 16 इतने बजे तक ही ये गेट खुलेगा जहाँ किसानों को अंदर जाने या बाहर आने की इजाज़त है। सुबह के समय किसान अंदर जाते हैं, दोपहर के समय खाना लेने के लिए बाहर आ सकते हैं और शाम के समय जैसे ही सूरज डूबेगा उससे पहले उन्हें बाहर आना होगा। लेकिन गेट मैनेजमेंट का भी पूरी SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है और उसका पालन किया जाता है। हमारे से कंपनी कमांडर बात करने के लिए अमित जी हैं। अमित कुमार जी, किस तरीके से यहाँ पूरा प्रोसेस होता है? ये क्या है, ये जो गेट मैनेजमेंट है ड्रिल, एक यूनिफॉर्मलिटी लाने के लिए बनाया गया है ताकि किस प्रकार किसान अंदर जाए बाहर आए, उनके आइडेंटिटी को चेक किया जाए। ये जो आप टाइमिंग की बात कर रहे थे, वे टाइमिंग जो इसमें दिया गया इनके कन्वीनियंस को हिसाब में, इनकी ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया। मतलब बात कर रही थी अपने किसानों से कि कौन सा समय उनके लिए मुफीद है, उस हिसाब से तय किया। हाँ, SOP में उसी के हिसाब से बनाया जाता है। क्योंकि अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि ये जो किसान गार्ड अंदर भेजा जाता है, वो इसके पीछे तीन कारण हैं। एक तो क्या, हमारे जो किसान बाहर अंदर जा रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रदान करना, एरिया का डोमिनेशन करना है, ठीक है। और एक गेट मैनेजमेंट का एक और क्या है कि जो इतना भी कल्टीवेटेड लैंड है फेंसिंग के उस तरफ, तो इसको क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि हमारा जो देश का अर्थव्यवस्था सुधरे। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि लोग बोलते हैं ना, फेंसिंग के अंदर नहीं जाना है, सामने बांग्लादेश से है, तो बिल्कुल BSF जब अंदर जाती है तो बिना कोई संशय, बिना किसी के, आराम से जो किसान है वो यहाँ काम करते हैं। BSF किसी बिना किसी संशय के किसानों को सुरक्षा देती है और यहाँ तो फ्रेंडली बॉर्डर है क्योंकि यहाँ बांग्लादेश है। हमने पाकिस्तान के बॉर्डर पे पंजाब में भी आपको दिखाया था कि कैसे भारत के आखिरी इंच की बुआई कटाई होती है और उसी तरीके से यहाँ काश्तकारी की जाती है क्योंकि हम दार्जिलिंग के करीब है, लिहाजा यहाँ पर चाय की बागवानी फेंसिंग के इस पार भी और जहाँ तक भारत की आखिरी इंच जमीन है फेंसिंग के उस पार भी की जाती है। सुरक्षा तो सुरक्षा है, चाहे वो गाड़ी से की जाए या फिर साइकिल से। यहाँ सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं है, इस वजह से BSF के जवान साइकिल से पेट्रोलिंग करते हैं। हालांकि उनके कंधे पर बंदूक मौजूद होती है ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे और दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। हमने आपको टेरेन दिखाई हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग बॉर्डर्स की सीमा प्रहरियों के साथ। हमने दिखाया कि कैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में ऊंट की सवारी होती है, खुरा चेकिंग होती है। अगर कच्छ के रण की बात करें तो वहां पे व्हीकल पेट्रोलिंग दिखाई और बताया कि कैसे पंजाब में घुड़सवारों के सहारे ड्रोन्स को पकड़ने की कवायद खेतों के बीच में से की जाती है। इस वक्त हम दार्जिलिंग के पास है, नॉर्थ बंगाल का इलाका है और यहाँ पर एक अलग तरीके से पेट्रोलिंग की जाती है और ये पेट्रोलिंग है साइकिल की। साइकिल पे बैठ के पेट्रोलिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर सड़क की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, सड़कें अच्छी हैं, लेकिन एक बटालियन के पास जो इलाका है वो भी अच्छा खासा है। यहाँ पर 4x4 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रेंडली बॉर्डर है। दरअसल इस बात की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको चेस करके आम तौर पर पकड़ना ही आतंकियों का प्रवेश हो सकता है। यहाँ पर कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग के सहारे नज़र रखी जाए। और मैं चाहूँगा कि जयराम जी एक बार दिखाइए कि दूसरी तरफ मेरे जहाँ हिंदुस्तान और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक जिसे कहा जाता है, उसकी दूरी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। चिकन नेक का अर्थ क्या है? चिकन नेक का अर्थ है कि जहाँ भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ चीन की सीमाएं सिर्फ 50 किलोमीटर के रेडियस में आ जाती हैं, जहां भारत के तीन राज्य पश्चिम बंगाल, असम और असम के साथ आप सिक्किम को जोड़ लीजिए, वो तीन राज्य और तीन देश जिसमें भूटान शामिल है, नेपाल शामिल है और बांग्लादेश के साथ चीन भी शामिल है, ये चार देश आसपास है। लिहाजा यहाँ पे सुरक्षा देना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चिकन नेक वो सरजमी है, अगर वो भारत की मुख्य भूमि से कट जाती है तो भारत के साथ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, असम, वो सभी कट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर पेट्रोलिंग अलग लिहाज से की जाती है।
यहाँ पर अगर CPF की बात करें तो जहाँ मौजूद है बांग्लादेश बॉर्डर, यहाँ BSF है। अगर सिक्किम के इलाके को देखें वहाँ पर ITBP है। नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर दरअसल एक और CAPF है जिसे SSB कहा जाता है, सशस्त्र सीमा बल। सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और ITBP तीनों इस एरिया में काम करते हैं। इंडियन एयरफोर्स भी है, इंडियन आर्मी भी है, लेकिन जो हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिला वो महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से यहाँ पर साइकिल पेट्रोलिंग होती है। तमाम जवानों के साथ न्यूज़ नेशन भी साइकिल पेट्रोलिंग में शामिल हो चुका है। थार का रेगिस्तान हो या जम्मू कश्मीर का चुनौती भरा मौसम, BSF की महिला ब्रिगेड तन मन धन देकर देश की सुरक्षा में जुटी रहती है। ये भारतीय सेना की वो वीरांगनाएं हैं जो देश की रक्षा के लिए मर मिटने की कसम खाती है। हिंद की संस्कृति में नारियों का पूजन रहा है। दीपावली में जहां हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उससे ठीक पहले नवरात्रों में दुर्गा अष्टमी भी मनाई जाती है। भारत की अगर बात करें आजादी के आंदोलन की तो लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है, कौन भूल सकता है सरोजिनी नायडू को, जिस तरीके से महात्मा गांधी के साथ उन्होंने काम किया। और जहां हम इस तरफ सीमा के उस पार बांग्लादेश को देख सकते हैं, बांग्लादेश को बनाने के पीछे भी इंदिरा गांधी की प्रमुख भूमिका थी और उन्हें भी भारत की दुर्गा प्रधानमंत्री के रूप में कहा जाता था। इस वक्त हम सीमा भवानियों के साथ हैं। सीमा भवानी जो यहां के क्षेत्र की निगेबान हैं, उनसे बात करेंगे और कितना मुश्किल है यहां पर काम करना। आपसे आपका नाम और आपका स्टेट जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम है शिवानी ठाकरे और मैं MP से हूं। आप MP से हैं और यहां पश्चिम बंगाल में आप काम कर रहे हैं, कितना अलग है? याद आती है, परिवार की छुट्टी मिल जाती है? सर, याद तो आती है, पर ये भी हमारा एक परिवार की तरह है। तो हम एक परिवार भारत के इनर लैंड में और एक परिवार सीमाओं पर। आपसे जाना चाहेंगे, आप कहाँ से, कितने साल हो गए सर्विस को? सर, 2 साल हुआ है। 2 साल हो गए। कहाँ ट्रेनिंग हुई थी? खरका में। कहाँ के रहने वाले? वेस्ट बंगाल, इधर ही रहने। अच्छा, इधर के रहने वाले, पंजाब में ट्रेनिंग करके आए, तो पूरा हिंदुस्तान एक तरीके से देख लिया। हाँ सर, 2 साल के अंदर। हाँ सर, हार्डशिप है और हार्डशिप में अलग तरीके से काम किया जाता है। आप कौन से स्टेट से? मैं बिहार से हूँ सर। परिवार में कौन कौन है? हस्बैंड है और सास ससुर हैं, मम्मी पापा नहीं है। तो याद आती है परिवार की, हस्बैंड फोन करते हैं, वीडियो कॉल हो पाती है, नेटवर्क कभी आता कभी नहीं आता? जी, वो भी BSF में ही है। अच्छा, वो भी BSF में जी। तो पूरा परिवार है जो सीमाओं की रक्षा करता है और वो स्थिति हमें यहाँ पर नजर आती है। आपका क्या रहने वाले? यूपी के। यूपी में कौन से जिले से? नोएडा डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। अच्छा, नोएडा से, दिल्ली NCR के। तो दिल्ली NCR तो कंक्रीट का जंगल है और यहाँ हम चाय के बागान देख रहे हैं। सुकून मिलता है कि वहाँ के पॉल्यूशन से? तो यहाँ बहुत बेहतर है जी सर, अच्छा लगता है इधर भी। आप कौन से स्टेट से? सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलते हैं और यहाँ पर फ्रेंडली बॉर्डर है, फायरिंग भी नहीं कर सकते। कितना मुश्किल है यहाँ पर काम करना? सर, मुश्किल तो है पर कर लेते हैं। पर कर लेते हैं, देशभक्ति की भावना है। आप कहाँ से? सर, MP से हूँ। आप मध्य प्रदेश? यस सर। तो यहाँ कैसा लग रहा है, कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए बटालियन को? सर, 2 साल हो गया। बटालियन के साथ 2 साल? नहीं, मेरा 2 साल हुआ है सर, बटालियन अभी 3 साल हो गया। बटालियन को आए 3 साल हो गए। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप अगवानी कर रहे हैं, कौन से स्टेट से आते हैं? सर, मैं यूपी से हूँ। यूपी से आते हैं, कौन से जिले से? बागपत जिले से सर। बागपत से आते हैं और बागपत से और यहाँ तक का, वैसे भी मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर से बड़ी संख्या में जो जवान हैं वो पहुँचते हैं। यूं तो भारत की पहली रक्षा पंक्ति कहे जाने वाली सीमा सुरक्षा बल यानी BSF अपनी चुस्ती, फुर्ती और मुस्तैदी के लिए जानी जाती है, लेकिन एक और शक्ति है जो बॉर्डर पर इनकी हिफाजत करती है, वो अदृश्य शक्ति, वो वीर जवान जिन्होंने देश की खातिर अपनी शहादत दी। सीमा सुरक्षा बल के जवान जिस परिस्थिति में मां भारती की सीमाओं की रक्षा करते हैं वो सिर्फ शारीरिक बल से संभव नहीं है, उसके लिए आत्मबल चाहिए और आत्मबल कई बार शहीदों की शहादत और परोक्ष रूप से उनकी मदद से भी आता है। दरअसल 11 अगस्त 1971 ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन मुक्ति वाहिनी के साथ BSF भी लगातार ऑपरेशन कर रहे थे। जहां हम मौजूद हैं नॉर्थ बंगाल, दरअसल इसका बॉर्डर उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के साथ लगता था। पाकिस्तान में जो चुनी हुई सरकार थी उसकी जगह सेनाओं ने अपनी तरफ से दमनकारी नीति की शुरुआत की, जिसके बाद BSF और मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया। 11 अगस्त की ही वो तारीख थी जब भारत के 3 जवान शहीद हो जाते हैं। मोर्टार हमला किया जाता है LMGN लाइट पोस्ट पे, उनमें से एक जवान जिन्हें यहां पर भगवान की तरह से पूजा जाता है, नमन किया जाता है, उनका नाम था मान बहादुर राय।
और उन्होंने अपनी देह यहीं त्यागी थी जहां हम मौजूद हैं और यहीं पर वो शहीद हुए थे मोर्टार हमले में। छलनी होने के बावजूद वो अपने कर्तव्य निष्ठता से भारत की सीमाओं की रखवाली करते रहे और यहीं पर ही बहुत बुरी तरह घायल होने के बाद उन्होंने देह त्यागी थी। 73वीं बटालियन के वो थे और उसके बाद लंबे समय तक शहीद का दर्जा तो दिया गया, लेकिन शायद जून 2009 थी जब यहाँ पर अदृश्य परछाई नज़र आई और ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई है। दरअसल वो मान बहादुर जी ही थे, कम से कम BSF का ये दावा है, और वो मददगार की तरह एक आत्मबल देते थे, एक आत्मा के रूप में यहाँ आते थे। और यही वजह है कि सबसे पहले जब खाना बनता है, लंगर बनता है BSF की सीमा चौकी पर, इस बॉर्डर आउटपोस्ट पे, तो पहला खाना भोग के रूप में उन्हें ही लगाया जाता है, उनके बिस्तर को रोज बदला जाता है। तो जिस तरह की किंवदंतियाँ भारत चीन की जंग में 1962 को लेकर है, वैसे ही किंवदंती BSF की यहाँ पर है 1971 की जंग को लेकर। तो ये है शहीद, शहीदों का मंदिर, और यहाँ पर आप देखिए कि बाबा के खड़ाओं को भी रखा गया है, और वाकई ही नमन करने योग्य हैं वह बाबा जिन्होंने भारत के लिए अपनी श्रद्धांजलि दी, और वह बाबा जो आज भी अदृश्य रूप से उसी तरीके से काम करते हैं जैसे अयोध्या में, भले ही राजपाट भगवान राम वनवास के दौरान नहीं चलाते थे, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता था भारत के साथ। और ऐसे ही इन खड़ाऊ को हमारा नमन, न्यूज़ नेशन का नमन, उन शहीद को जिनकी शहादत की वजह से भारत पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग जीत पाया। भारत पाकिस्तान का 1971 वाला जंग जिसमें हजारों सैनिकों ने शहादत दी, तब जाकर बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसी की याद में बॉर्डर पर वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है ताकि वीर जवान शहीद और शहादत को हमेशा याद रख सके। 1971 के शहीदों को नमन, नमन मां भारती के सीमा सुरक्षा बल के प्रहरियों को जिनकी वजह से भारत ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना पाया। दरअसल 1965 की जंग के बाद ही BSF का गठन किया गया था और BSF दो मोर्चों पर लड़ रहा था। अगर 71 की जंग की बात करें, जहां दिसंबर में जब जंग की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान से लगे हुए पूरे इलाके में राजस्थान और इंडिया ब्रिज जिसे हम कच्छ कहते हैं, वहाँ BSF पाकिस्तान की सेना और रेंजर से लोहा ले रहा था, जबकि यहाँ पर जंग की शुरुआत से कई महीने पहले ही मुक्ति वाहिनी के साथ BSF के जवान कार्यरत थे ताकि जो जुल्म किए जा रहे थे पाकिस्तानी सेना के द्वारा मुक्ति वाहिनी से पहले बंगालियों के ऊपर, वो बंगाली जो इस वक्त बांग्लादेश में रहते, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, उनकी मदद की जा सके। और उन्हीं शहीदों को नमन करने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर के करीब इस वॉर मेमोरियल का गठन किया गया। हालांकि अब इसमें रिनोवेशन का काम भी चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कमांडर सर हैं। सर, अगर आपसे बात करना चाहें, कैसे आप देखते हैं उस गौरवमय इतिहास को जब 71 की जंग भले ही सेना, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने लड़ी हो, लेकिन BSF का भी अहम किरदार रहा था, खासकर मुक्ति वाहिनी को लेकर और इस टेरेन को लेकर। ये जो वार मेमोरियल देख रहे हैं अंडर रिनोवेशन है और ये हमारी विजय गाथा को दर्शाता है। उस समय BSF की 73वीं वाहिनी यहाँ डिप्लॉयड थी और यहाँ पर वो डिफेंस लिए हुए थे। वार फुल फ्लेज चल रहा था और इस सिचुएशन में जो पाकिस्तान से गोला आया तो उस गोले के फटने के कारण हमारे तीन जवान यहाँ शहीद हुए थे। तो BSF एक्टिवली पार्टिसिपेट की है इस वार में और हमारी वीर गाथा इस सीमावर्ती इलाके में और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के कई क्षेत्रों में आप देखेंगे, इसको दर्शाने के लिए इस तरह के वार मेमोरियल बने हुए हैं। ये हमारी वीर गाथा को दर्शाता है। हमारे बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में हमारे कंट्रीब्यूशन, हमारे बलिदान को दर्शाता है। बिल्कुल, बलिदान दिया गया और बलिदानों से इतिहास लिखा गया। ना सिर्फ इतिहास लिखा गया बल्कि भूगोल को बदल दिया गया। एक नए देश का जन्म हुआ जिसे बांग्लादेश कहते हैं और उसी बांग्लादेश बॉर्डर पर न्यूज नेशन की टीम मौजूद है अग्निवीरों के साथ, सीमा प्रहरियों के साथ। और हम आगे उस रेलवे लाइन पर भी चलेंगे जो दरअसल समझौता एक्सप्रेस जैसी ही है, हफ्ते में दो दिन चलती है न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर ढाका तक, और उसकी सुरक्षा कैसे की जाती है और वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, वो भी देखिए अग्निपथ पर। भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से ही दोस्ती भरे रहे हैं और इसमें अहम भूमिका निभाती है समझौता एक्सप्रेस। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका की तरफ जाने वाली ट्रेन आम ट्रेन नहीं है बल्कि BSF कमांडोज के सुरक्षा घेरे में बांग्लादेश की तरफ जाती है।
सुरक्षा इसलिए ताकि अनहोनी से बचा जा सके और दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत हो सके।